ओरिजिनल वाली गन में आप 6 राउंड फायर कर सकते हैं, इसमें है रिवॉल्वर 8 राउंड शॉट। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ ब्लास्ट स्टॉर्म फ्लैश गन। ये स्टॉर्म गन है, देखिए ऐसी गन में एक दूसरी लाया था, ये उसी में दूसरा मॉडल है। 10 सॉफ्ट बुलेट, ये हार्ड वाला पार्ट है, 10 ये चिपकने वाला पार्ट आता है, 20 बुलेट इसके साथ आते हैं। व्हाइट और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन, ऊपर थोड़ा सा ऑरेंज भी कलर है। यहाँ पे बारकोड स्कैन करके गन का वीडियो भी देख सकते हैं। ये बॉक्स है, कैरी बैग की तरह आएगा, देखिए आप दोस्तों कैरी बैग की तरह आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। यहाँ पे कैसे कैसे वर्क करता है पूरा, ये जो पार्ट है रिवॉल्विंग, ये पार्ट रिवॉल्व करेगा ऑटोमेटिक, जब ये ट्रिगर हम खींचेंगे तो इसकी मदद से रिवॉल्व हो जाएगा। पूरा प्रोसेस दोस्तों दिखाऊं, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे बुलेट लोड करना है। नीचे दोस्तों बुलेट स्टोरेज करने की भी जगह दी गई है, नीचे बॉक्स की देखेंगे तो वार्निंग वगैरह सब लिखी गई है। तो चलिए दोस्तों ये गन को ओपन करके चेक करते हैं, गन कैसे वर्क करती है, कितनी दूर तक फायर करती है, कितनी हाइट है, टारगेट अलग अलग लगाएंगे, प्राइस वगैरह बताएंगे, कहाँ से बाय कर सकते हैं वो भी बताएंगे दोस्तों। तो एंड तक वीडियो में बने रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे यूनिक और अमेजिंग टॉयज के वीडियो दोस्तों मैं आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे गन को मैं रख देता हूँ, ये बॉक्स में से गन को फटाफट से मैं निकाल देता हूँ बॉक्स में से। जब तक ये दोस्तों गन बाहर आ जाए तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। तो ये देखिए बॉक्स में से आ गई है हमारी गन, तो यहाँ पे पैकिंग वगैरह काफी बढ़िया किया गया है। तो ये सब मैं यहाँ पे कटर की मदद से खोल देता हूँ इसको, आगे की साइड भी पैकिंग किया गया। तो देखिए दोस्तों ये गन आ गई, व्हाइट कलर ऑरेंज ब्लैक कलर का काफी बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन है। ये पूरा रिवॉल्व होगा, यहाँ पे देखिए ये आ गया इसका ट्रिगर, इसको खींचेंगे तो ये पार्ट इसके साथ, ये देखिए सिंगल सिंगल बुलेट आप फायर कर सकेंगे। ये जब आप खींचेंगे तो ये जो रिवॉल्व होगा, एक बार आप देखिए और देखिए, तो ये क्या बुलेट की पोजिशन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे इसको प्रेस करना है तो फायर होगी, यहाँ पे आप बुलेट को स्टोर कर सकते हैं, यहाँ से फायर होगी। लोड हमें यहाँ पे ही करना है, यहाँ पे डालना है, मैं भूल गया। अभी मैं इसमें से बुलेट भी निकाल देता हूँ, बुलेट को यहाँ से टेप की मदद से पैकिंग किया है। तो देखिए दोस्तों ये बुलेट यहाँ पे निकल गई है, ये जो मैं बोल रहा था ये हार्ड वाला पार्ट है, तो ये चिपकेगा नहीं, और ये सॉफ्ट वाला पार्ट है। तो किसी भी बॉक्स पे अगर हम फायर करेंगे तो ये देखिए ऐसे ये बुलेट है वो चिपक जाएगी, ऐसे दूर से फायर करेंगे तो। अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले चिपकने वाला ही बता देता हूँ, पहले पूरा इसमें लोड आपको ऐसे मैन्युअली करना है, ऐसे सामने से इसको पूरा प्रेस कर देना है, और इसको आप मैन्युअली रोटेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अभी 2-3 गोली में इसमें लोड कर देता हूँ। अभी मैं इसको खींच लेता हूँ एक बार, अभी ये बॉक्स पे मैं इसको फायर करता हूँ। देखिए तो देखिए चिपक गई, तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में दोस्तों बुलेट है वो फायर हुई, ऑटोमेटिक वो चिपकी हुई बुलेट है वो नीचे गिर गई। देखिए यहाँ पे देखिए कितनी देर तक चिपकती रहती है, देखते हैं इसका वैक्यूम की वजह से ये चिपक जाती है, वैक्यूम जब छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक ये गिर जाएगी। देखिए तो ऐसे ये बुलेट वर्क करेगी। अभी मैं दोस्तों इसमें हार्ड वाला पार्ट है, ये 3-4 बुलेट इसमें डाल देता हूँ, वो बॉक्स पे चिपकेगी नहीं, उस पर साउंड ज़्यादा है, इसको आपको अच्छी तरह से अंदर डाल देना है, वरना बाहर रहेगी तो ये जाम हो जाएगी गोली और फायर नहीं हो पाएगी। अभी एक और बार खींच लेता हूँ, देखिए ये चिपकेगी नहीं, वहां से टारगेट पे टच होके वापिस आएगी। देखिए देखिए तो बॉक्स के अंदर पैकिंग में जो बॉक्स वाला पार्ट था, इसमें बीच वाला जो पार्ट है वो टारगेट के लिए हमें यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। देखिए तो इसको ही हम पहले टारगेट लगाते थे, इसमें मैंने हार्ड वाली जो बुलेट थी उसको लोड कर दिया है पूरा। ये टारगेट को रोड के सामने के साइड में रख देता हूँ, यहाँ पे इसके ऊपर पत्थर रखना पड़ेगा, वरना ये हवा ज़्यादा चल रही है तो उड़ जाएगा। पीछे भी एक दो पत्थर रख देता हूँ, ये देखिए टारगेट मैंने लगा दिया है। अभी मैं वहाँ आ जाता हूँ, ये लगभग 10 फीट तक का डिस्टेंस आ जाता है, इसको मैं खींच लेता हूँ। अभी इसको टारगेट करते हैं, देखिए फायर तो हो रही है, ये देखिए टारगेट होके रोड पे वो बुलेट आ चुके, हवा के कारण वो बॉक्स है पूरा, ओहो एकदम मिडल में लगा था दोस्तों, ये दूसरी। तो टारगेट काफी बढ़िया है दोस्तों, ये जो पार्ट पूरा प्लेन है इसकी वजह से आप ये पार्ट देख सकते हैं, तो इसकी वजह से आप निशाना भी पक्का लगा सकते हैं। देखिए ये गन से दोस्तों ये कैक्टस को टारगेट करते हैं, कैक्टस को मैं वो साइड रख देता हूँ, ये गन से ये देखते हैं कैक्टस को टारगेट कर पाते है कि नहीं। पहला टारगेट फाइनल, गिराना है इसको, यहाँ पे देखिए बुलेट फंस गई एक बार,
चार में से एक ही बार लगा है। देखिए एक और बार फंसी है, खाली था, सॉरी, व्हाट द हेल। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये बुलेट फंस गई है, इसके कारण ये रोटेट नहीं कर पा रहा है। तो इसकी वजह से मैंने बोला था इसको आपको सही तरीके से लगाना है। अभी देखिएगा, इसको मैंने खींचा तो देखिए फायर, ये टारगेट हो गया, दो टारगेट। तो कैक्टस गिरने का नाम नहीं ले रहा, थोड़ा नजदीक जाना पड़ेगा। गोली खत्म हो गई है इसमें, ये गिरने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों, इसको मैं ऐसे ही गिरा देता हूँ। अभी दोस्तों ये गन से मैं ये कितनी दूर तक ये फायर करती है वो देखता हूँ। यहाँ से फायर किया तो वहां रुक जाओ, देखते ही अभी ये देखिए आप डिस्टेंस देखिए दोस्तों, इसका डिस्टेंस इतना है। अभी इधर से मैं एक फायर करता हूँ तो वहां अपने कैमरे तक आ गई, वहां पे कैमरे वो गोले के ऊपर ले जाओ। देखिए एक और बार इधर से फायर करता हूँ तो डिस्टेंस दोस्तों यहाँ से लगभग 15 मीटर तक का इसका डिस्टेंस है, तो काफी दूर तक ये गोली फायर करती है। हम रनिंग वाला ऑब्जेक्ट को टारगेट करते हैं, रिमोट कंट्रोल हिताची को मैं यहाँ से रन कराऊंगा और रन करते करते ये टारगेट कर पाती कि नहीं वो चेक करते। यहाँ पे मैं हिताची को रख देता हूँ, ये ऑन है, रिमोट की मदद से कैमरा मैन इसको चलाएगा। तो देखिए अभी ये चल रहा है रोड के वो साइड, दूर जाओ। अभी यहाँ से इसको टारगेट करते है, देखिए एक टारगेट लग गया है, दूसरा लग गया है। हिताची के इतना स्पीड ज्यादा नहीं है, नजदीक आ जाइए। तीनों टारगेट हिट किया, चार पांच, इसके बकेट में छह। देखिए यहाँ पे बुलेट फंसी है कहीं पे, नहीं खत्म हो गई है, फंसी नहीं है। यहाँ पे दोस्तों मैं कैमरे से लगभग 15 मीटर तक दूर हूँ, यहाँ से मैं बुलेट को फायर करता हूँ, देखते वो कैमरे तक फायर होती है। तो देखिए दोस्तों थोड़ी सी नजदीक आई है, ऊपर हाइट में अगर हम फायर करेंगे तो बुलेट हो वो कैमरे के एकदम नजदीक चली जाती है। तो देखिए यहाँ पे तो डिस्टेंस दोस्तों इसका काफी ज्यादा है, काफी दूर तक ये गोली को फायर कर रही है दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों ये ब्लास्ट स्ट्रोम गन आपको कैसी लगी वो मैं कमेंट करके बताएं, अच्छी लगी और परचेस करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से परचेस कर सकते हैं। क्वालिटी की बात करूँ तो काफी बढ़िया दोस्तों क्वालिटी है, रेंज वाइज स्पीड वाइज काफी बढ़िया सॉफ्ट बुलेट आती है, तो एक नंबर गन है। आपको परचेस करना हो तो परचेस कर सकते हैं दोस्तों, मैंने इसको 1500 में परचेस किया था, लिंक में जाके प्राइस वगैरह चेक कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे यूनिक टॉयज की वीडियो दोस्तों मैं आपके लिए लाता रहूं। और आगे आप कौन से वीडियो देखना पसंद करते हो हमें कमेंट करके बताइए, तो वो भी प्रोडक्ट हम लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो एंड तक देखने के लिए।